जितने बूढ़े बूढ़े बैठे गए, जिन जिन के घर में बहू आए गई हैं, जो ससुर जी बन गए, हाथ उठाओ उठाओ। हाँ हाँ, आप मेरे बड़े बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, घूंघट करते हैं कि ना करते बहू? हैं? कौन कौन की बहू घूंघट करते हैं यहां? जा की करते हो, हाथ उठाओ, करते ना? हाँ साहब, बहुत बढ़िया। और कितने ऐसे बैठे जिनकी बहू घूंघट ना करते? बहू उठा ले, उठा ले बहू। और मैं बताऊं, जी ससुरन ने बेशरमाई धारी है, बहुन को कोई खोट ना आया, मैं बुरो मत मानियो, यहां जितने ससुर बैठे में उनते ना कह रहो, वो तो मतलब इन देवराज इंद्र के बाद स्वयं अकेले यही आए, जय उनको कोई दोष ना है, वो तो देवता है, देवता स्वर्ग के। कितने ससुर आपको यूं कहते हुए मिल जाएंगे, बेटी मेरी तो बेटी के बराबर है, घूंघट करवे की क्या जरूरत है, तो मिलेंगे कि ना है? और 2 साल बाद वही बेटी, वही पापा, पापा जी, पापा ना है, पापा जी है। जब चाय ना मिलते ना टाइम पे, तब देखो पापा जी, चाय ना खोलते पापा जी खोलते है फिर चायदान में। फिर पापा जी खोल रहे है, फिर बहू जी जो कह रही, तुम ही तो कहते थे बेटी के बराबर है, अब क्यों खोल रहे हो? छान लो, छान चाय, छान लो, खोलो मत। एक बात बताएं, हम ये तो नहीं कह रहे घूंघट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो पर्सनल सबका अपना मत है, पर जितना पर्दा रहेगा, जितनी मर्यादा रहेगी, उतना ही बड़ों का सम्मान भी बना रहेगा। जितने पर्दे आप हटाते जाओगे, उतना ही बुढ़ापा दुखी होता चला जाएगा, हम लिख के दे सकते इस बात को। हमारे बुजुर्गों के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन हमसे ज्यादा सुखी थे। हमारे पास धन अधिक है, पर हम उनसे ज्यादा दुखी हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 20-25 साल पहले देख लो कितना सुख था, धन कम था, और अब धन तमाम आ गया, खेत बेच बेच के पैसा वारे है गए, गए खेत भट्टान में, एयरपोर्टन में है, मट्टी उठवा दे है गए पैसा वारे, हाईवे निकलेगो है गो पैसा वारे, एयरपोर्ट आएगो है गो पैसा वारे, धक्का लिया पैसा है। हम तो कह रहे हैं हमारे हर सनातनी अरबों खरबों पति हो जाएं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना सब सनातनी मर्यादा में रहें और सुखी रहे, और आने वाली पीढ़ी धर्मात्मा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। अगर धनवान और संस्कारवान नहीं हो, तो तुमसे बड़ा मनुष्य दुखी कोई हो नहीं सकता, कोई दुखी नहीं तुमसे बड़ा।